दोस्तों मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं अगर ये बोलूं कि बहुत ज्यादा नॉर्मल या बहुत ज्यादा मिडिल क्लास, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक बढ़िया था, ऐसा भी कोई ज्यादा डाउन नहीं था। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फैमिली में ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और किसान रहे हैं। जब मेरे पापा जॉब किया करते थे, मुझे आज भी याद है, जब वो बताते हैं आज भी कि हमारे पास 70 बीघा जमीन हुआ करती थी ग्रेटर नोएडा के अंदर, और ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में इतनी जमीन होना, नौकरी वगैरह करना, तो एक सफल परिवार माना जाता था। मेरा उस परिवार में जन्म हुआ, और हर माँ बाप की जो इच्छाएं होती है अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे बड़े होंगे और बड़े जब हो जाएंगे तो हमारा नाम रोशन करेंगे, मेरे माँ बाप भी मेरे को हमेशा एक ही बात बोलते थे कि तुझे जल्दी जल्दी एजुकेशन लेनी है और एजुकेशन के बाद तुझे नौकरी करनी है। बस मैंने एक ही चीज अपने परिवार में देखी थी कि मैंने अपने परिवार में किसी भी आदमी को नौकरी करने के बाद सही से जीवन जीते हुए नहीं देखा था। मेरा पर्सनली जो मैंने देखा था वहां पर बस एक ही बात होती, जब उनकी सैलरी आती थी तब परिवार में खुशियां होती थी, और महीने के लास्ट में जो समस्याएं हर नौकरी वाले के घर में होती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो समस्या मेरे परिवार में होती थी। और उसके बावजूद मेरे माँ बाप मेरे से एक ही बात बोलते थे कि पढ़ ले, तेरी भी अच्छी नौकरी लग जाएगी और आने वाले समय में हमारा भी नाम रोशन होगा। मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, पढ़ाई लिखाई करना मेरे लिए दुनिया का सबसे कठिन काम पढ़ाई लिखाई करना। मुझे मस्ती शुरू से ही मजा आता था मस्ती करने में। जब हम स्कूल जाते थे तो मैं हमेशा एक ही चीज सोचता था कि आज जो हमारे स्कूल में मास्टर जी हैं उनके परिवार में कोई खत्म हो जाए, छुट्टी पड़ जाएगी आज, तो ऐसा हम सोचते हैं सभी लोग। तो मैं ऐसा सोचा करता था कि आज छुट्टी हो जाए या बारिश आ जाए या मुझे बुखार हो जाए, स्कूल ना जाना पड़े। तो ऐसे जीवन चलता रहा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे, और माँ बाप ने हमेशा एक ही बात बोली कि एजुकेशन। मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से आए होंगे। ग्रेटर नोएडा के आसपास हमारे परिवारों में एक बात बोली जाती है, अगर कोई लड़का ग्रेजुएट कर लेता है तो उसकी शादी अच्छी हो जाती है, उसको दहेज वगैरह थोड़ा अच्छा मिल जाता है कि भाई ग्रेजुएट हो गया लड़का। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे से बोला कि तू ग्रेजुएट कर ले, तेरी शादी अच्छी हो जाएगी। तो अब ग्रेजुएट करने के लिए जाता है तो सबसे आसान एक ही है, वो बीए। तो मुझे बीए थोड़ा आसान लगा, मैंने बीए में एडमिशन लिया। अच्छा मेरे साथ ये हुआ, एडमिशन जैसे ही लिया अगले 6 महीने मेरी शादी हो गई। अब जैसे ही मेरी शादी हो गई, शादी हुई थी मेरी 28 फरवरी, उसके बाद था 1 मार्च। 1 मार्च के बाद मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरे माँ बाप ने मुझसे बोला कि कॉलेज क्यों नहीं जाता, मैंने बोला आपने एक बात बोली थी कि ग्रेजुएट कर ले तेरी शादी हो जाएगी, बात खत्म। ग्रेजुएट का जो पर्पज था शादी करना, वो कंप्लीट हो गया, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो परिवार के साथ रहना, उसके बाद माँ बाप ने एक बात बोली कि नौकरी अगर कर लेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आगे आने वाले समय में तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मैं नौकरी करने के लिए निकला और ग्रेटर नोएडा के अंदर नौकरी वगैरह करी। मैं शुरुआत से सेल्स में था, मुझे सेल्स में काम करना मजा आता था कि अपनी मन मर्जी जाओ, जब मन करे वापिस आ जाओ, जितना चाहे उतना कमाओ, ऐसे जीवन चल रहा था, मजे का जीवन था। ऐसा कोई मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत कठिन मैंने अपना जीवन जिया, मजे की लाइफ थी। शुरुआत से ही मजा लेता था मैं अपने जीवन में, जेब में 100 रुपए होते थे, जब तक ये 100 रुपए खर्च नहीं हो जाएंगे तब तक मजा नहीं आता था। तो वो जीवन चलता रहा, मुझे एक कंपनी में आने का मौका मिला, मैं कंपनी में आया, और उस कंपनी में आने के बाद मैंने वहां मेहनत करी और वहां पर काम करते करते जो भी अचीवमेंट करना था वो किया, और उस कंपनी में मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। वो हुआ किस वजह से मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर शेयर करूँगा तो लंबी बात हो जाएगी। मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, माँ बाप को पता लगा कि इसको पर इतना कर्जा हो गया है, तो माँ बाप ने एक ही बात बोले कि दोबारा घर ग्रेटर नोएडा आ जा और यहीं पर रह के अपना जो भी काम तुझे करना है वो कर, ये काम छोड़ दे, बेकार के काम होते हैं। लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दिल और दिमाग में बस गई थी, मैं खाना खाए बिना रह सकता था लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किए बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ पर मजा आता था स्टेज पे बात करने में, फूल मालाओं में, तालियां बजती थी, उनमें मुझे
बड़ा मजा आता था, तो मैं सर्च करने लगा फेसबुक से कि मुझे कुछ अच्छा रास्ता मिल जाए, मुझे कुछ अच्छी कंपनी मिल जाए जहां से मेरे जीवन में बदलाव हो जाए। तो दोस्तों, जब भी हम ऊपर वाले से कोई भी प्रार्थना करते हैं या हम कोई भी चीज चाहते हैं, तो ऊपर वाला एक ना एक दिन हमें वो रास्ता दिखाई देता है। और वो रास्ता मुझे दिखाया गया सितंबर 2016 में। सितंबर 2016 के अंदर मैं फेसबुक चला रहा था, तो फेसबुक पे मैंने एक महान शख्सियत को देखा और मैंने उनसे हाय हेलो करी। और हाय हेलो के जवाब में उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली कि ठीक है, हम मिलके बात करते हैं और आप आना, प्लान देखना, उसके बाद डिसीजन लेना कि करना है या नहीं करना है। तो मैं ग्रेटर नोएडा से द्वारिका आया, मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरी जेब में 500 रुपए थे, मैं ग्रेटर नोएडा से द्वारिका आया, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, मैं रोडवेज बस में आया। और मैंने द्वारिका में आके प्लान देखा, प्लान देखने के बाद मुझे भी भरोसा हुआ कि मुझे कंपनी करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्लान दिखाने वाले शख्स कोई नॉर्मल शख्स नहीं, आज हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग के रोल मॉडल श्रीमान महिपाल गुरु जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगर वो प्लान नहीं दिखाते तो हो सकता था मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें प्लान के अंदर बताई कि कैसे कैसे आपको काम करना है, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है, ये प्लान के अंदर क्या खासियत है। तो मैंने प्लान देखा और प्लान देखने के बाद जैसे ही मैं निकल रहा था, आज भी मुझे वो दिन याद है। कुछ जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं आदमी कभी भूल नहीं सकता। बहुत छोटा सा ऑफिस था, जब ज्वाइन किया था कंपनी का, बहुत छोटा सा ऑफिस था। और उस दिन मेरा दिन, मैं एक बात बोलूं कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन था वो। उस दिन मुझे, जब मैं निकल रहा था, तो महिपाल गुरु जी ने मुझसे बोला, अनु एक मिनट रुको, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरी मुलाकात, आज हम सभी के भगवान जिनकी वजह से आज हमें ये स्टेज, जिनकी वजह से आज हमारे घर में एक भी रुपया आता है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एसलीपीएस वेलनेस एमडी श्रीमान संजीव सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज भी मुझे वो दिन याद है और आज भी मुझे वो बात याद है। गुरु जी ने एक बात मुझसे बोली थी, अनुज अगर तुझे कामयाब होना इस कंपनी में तो एक बात याद रखना, अगर तुझे भरोसा है इस कंपनी पे 100%, तभी इस कंपनी को ज्वाइन करना। अगर तेरे को भरोसा है 99%, तो इस कंपनी को ज्वाइन मत करना, क्योंकि 99% से तेरे को सिर्फ असफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता चाहता है तो 100% भरोसा करके काम कर और आज से ही लग जा। दोस्त, वो दिन याद है, सितंबर 2016 काम करना स्टार्ट किया। 29 सितंबर 2016 को 1,000 रुपए का चेक बना और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब 1,000 रुपए का चेक बना। आज हम लोगों को देखते हैं, उनका 1,000 रुपए का चेक बनता है, उनको ऐसा लगता है ये भी कोई चेक है, 1,000 रुपए का चेक उनको छोटा चेक लगता है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो चेक में खुशी मिली थी, वो मिली थी 29 सितंबर 2016, जिस दिन मेरा 1,000 रुपए का चेक बना था। वो चेक मैंने महिपाल गुरु जी को दिखाया, मैंने कहा गुरु जी आपके आशीर्वाद से आज 1,000 रुपए का चेक आया, आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, अब इसके पीछे जीरो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1,000 रुपए के चेक से काम करना स्टार्ट किया। दोस्त, आज जब काम करते हैं हम 1,000 रुपए के चेक से, तो पहला लेवल होता 1500 भी आया, करते 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 आज मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। इसके पीछे अगर कोई क्रेडिट अगर मैं देना चाहता हूं, तो मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर मैं देना चाहता हूं, तो अपने अपलाइनों को देना चाहता हूं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार हमारे ग्रेट अपलाइन शिव कुमार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।